हेलो गाइस, बेस्ट होम डिजाइन सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक नए घर का डिजाइन जो कि फुल मड हाउस है। यह घर हमने मड से कंस्ट्रक्ट किया है, मतलब कि मड ब्रिक का यूज किया है। इस घर में हमने 3 बेडरूम का प्रोविजन दिया है और एक एक्सटीरियर सिट आउट स्पेस प्रोवाइड किया है। यह घर 50x50 के प्लॉट साइज में डिजाइन किया गया है और यह घर साउथ वेस्ट फेसिंग है। अब चलिए मैं आपको बता देता हूं हमारे इस घर का कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। तो इस घर की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 2 लाख से 3 लाख के रुपए के बीच में आएगी, जो कि बहुत ही मिनिमल है, क्योंकि यह घर हमने विलेज एरिया के लिए डिजाइन किया है। इस घर को हमने फुल मड कंस्ट्रक्शन किया है। तो आप देख सकते हैं इसका कुछ डिजाइन जो कि पिच्ड रूफ जैसा है। अब चलिए मैं आपको दिखाऊंगा हमारे इस खूबसूरत से घर का इंटीरियर का वॉक थ्रू। तो ये आ जाता है हमारा मेन गेट जो कि बाउंड्री वॉल का गेट होगा और यहां से व्यू कुछ ऐसा दिखेगा। अंदर जाते ही हमारी कच्ची सड़क आ जाती है जिसमें पार्किंग का प्रोविजन रहेगा और ये आ जाएगा हमारा एक्सटीरियर सिटिंग जिसमें एक खूबसूरत लैंटर्न लग जाएगा या फिर शैंडलियर भी कह सकते हैं। ये आ जाता है हमारा बेडरूम नंबर 1। हमने फॉल सीलिंग में बैम्बूज का यूज किया है ताकि जो हमारी हीटिंग इफेक्ट है उसको ये इंसुलेट कर सके। ये आ जाता है हमारे बेडरूम 1 का अटैच्ड टॉयलेट। इसमें हमने ग्लास पार्टीशन का भी प्रोविजन दिया है जो कि शावर एरिया और बाकी टॉयलेट को सेपरेट करता है। तो ये था हमारा बेडरूम 1 का व्यू, आप देख सकते हैं। अब चलिए मैं आपको दिखा देता हूं हमारे बेडरूम 2 का व्यू। तो ये आ जाता है हमारा बेडरूम 2। और ये आ जाता है हमारे बेडरूम 2 का टॉयलेट। अब चलिए मैं आपको बेडरूम 3 का व्यू दिखा देता हूं। तो ये आ जाता है हमारा बेडरूम 3 का व्यू। हमारे तीनों बेडरूम्स ऑलमोस्ट सिमिलर हैं और अगर आपको हमारे इस घर का 2D प्लान चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे हमें कांटेक्ट करें। ये आ जाता है बेडरूम 3 का टॉयलेट। तो ये थे हमारे बेडरूम्स के व्यूज। अब मैं आपको दिखा देता हूं हमारा जो किचन एरिया और डाइनिंग एरिया रहेगा उसका इंटीरियर। तो ये था हमारा इंटीरियर का वॉक थ्रू। कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अब चलिए मैं आपको हमारे इस घर का 3D प्लान समझा देता हूं। तो अभी तक आप लोग देख रहे थे हमारे इस घर का 3D वॉक थ्रू। अब मैं आपको दिखा देता हूं हमारे इस घर का 3D प्लान ताकि आपको इसकी प्लानिंग और ज्यादा समझ में आ सके। तो ये है हमारा एक्सटीरियर का व्यू। जैसा कि आप देख सकते हैं ये टॉप व्यू है।
ये आ जाती है हमारी रोड और रोड से कनेक्ट होते हुए आ जाता है ये हमारा गेट। और ये पूरा प्लॉट का साइज है 50 फीट बाई 50 फीट। इसमें हमने जो डिज़ाइन किया है वो 36 फीट में डिज़ाइन किया है और बाकी स्पेस पूरा ग्रीन प्लांटेशन और पार्किंग के लिए छोड़ दिया है। तो ये था हमारा कुछ बेसिक डिटेल। अब मैं आपको दिखा देता हूँ 3D प्लान। तो ये देखिए, ये आ जाता है हमारा 3D प्लान का व्यू। एंटर करते ही सबसे पहले आता है हमारा ये एक्सटीरियर सिट आउट स्पेस, जो कि एक बहुत ही अच्छा खासा व्यू देगा हमारे गार्डन एरिया का। फिर यहाँ से कनेक्ट होते हुए आता है ये हमारा बेडरूम वन का व्यू। बेडरूम वन का आप 3D प्लान देख सकते हैं, जिसमें हमने हर सुविधा उपलब्ध कराई है। उसके आगे आ जाता है बेडरूम टू और फिर आ जाता है बेडरूम थ्री। हमने हर बेडरूम्स में अटैच टॉयलेट का प्रोविज़न दिया है। फिर ये आ जाता है हमारा किचन और डाइनिंग एरिया, जो कि सेपरेट नहीं है, अलग अलग नहीं है, ये दोनों ही सेम कॉमन एरियाज पूरा शेयर कर रहे हैं। मतलब डाइनिंग एरिया और किचन एरिया एक ही एरिया में सबमर्ज किया गया है। तो ये था हमारा 3D प्लान। कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। होप यू लाइक द वीडियो गाइज। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और लाइक बटन दबा दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और अगर कोई सजेशन है आपके तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारे इस घर का 2D प्लान चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट जरूर करें। होप यू लाइक द वीडियो गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।